नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपसे मैं हमेशा यही आशा करता हूं कि आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखते होंगे और देखने के साथ साथ आप लोग एक और ज़रूरी काम किया करें जो मेरे लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी ज़रूरी है। आप लोग कमेंट किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। कमेंट आप करेंगे और मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको उस जो है जो भी कंफ्यूजन रहेगा उस टॉपिक से, उस टॉपिक के कंफ्यूजन को दूर करूंगा और प्रश्न का उत्तर दूंगा। शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो इसमें थोड़ा सा हमारे चैनल को जो है ग्रो मिलेगा। तो आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि चैनल हमारा जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए लोग हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं जो हमेशा यूट्यूब पर पढ़े रहेंगे, फ्री में पढ़ाए जाते हैं। आप कभी भी यूट्यूब पर जा करके इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और अपनी परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद ले सकते हैं। तो हम आपको पिछली क्लास में, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमने आपको ये बताया था कि कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, तीन भागों में इसको बांट करके पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। 1885 से 1905, 1905 से लेकर 1919 और 1919 से लेकर 1947 तक। तो अब मैं 1885 से 1905 तक आपको सारी घटनाएं बता चुका था। अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बंगाल विभाजन 1905 जो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। तो बंगाल विभाजन 1905 के समय जितनी भी घटनाएं हुई थी उन सारी घटनाओं को हम आपको बताएंगे और समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आज बात करेंगे बंगाल विभाजन 1905 पे। समझते चलिएगा साथियों और नोट्स बनाते चलिए तो और अच्छा। बंगाल विभाजन जब हुआ, ध्यान से समझिएगा एक कहानी की तरह, क्योंकि इतिहास जो है ना वो कहानी की तरह जब आप समझेंगे तब आपके माइंड में फीड हो जाएगा। तो जब बंगाल विभाजन हुआ या हो रहा था या होने को था, तो उस समय बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था। उस समय बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, इन जो है चार क्षेत्रों को मिला करके उस समय ये बंगाल बोला जाता था। तो चूंकि बहुत बड़ा था और उस समय आबादी बंगाल की 7,85,00,000 थी, 7,85,00,000 थी, जो पूरे भारत की आबादी का 1/4 हिस्सा थी। ठीक है, 7 करोड़, वही चीज हमने यहाँ लिखा हुआ मेंशन किया है, 7,85,00,000 थी जो उस समय भारत के आबादी का 1/4 थी। एक्चुअली में ये चूंकि बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत बड़ा राज्य था और बहुत धनी भी था। जितने भी यूरोपीय आए, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो डच हों, चाहे वो पुर्तगाल हों, चाहे वो फ्रांसीसी हो, सब पश्चिम बंगाल की तरफ ही गए क्योंकि धनी था। अच्छा, हमने आपको बताया कि बंगाल उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था। चूंकि जितने भी आंदोलन हुए, कई आंदोलनों का हम अगर एग्जाम्पल दे दें आपको, तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं कि जैसे सन्यासी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और जितने भी जो है आंदोलन हुए उस दौरान, सब बंगाल क्षेत्र से ही होते थे। क्योंकि बंगाल केंद्र था, समझते रहिए एक एक चीज, बंगाल केंद्र था, वहां से पूरे भारत में आवाज जाती थी, बंगाल केंद्र था। ये लॉर्ड कर्जन को पसंद नहीं आया। उसकी मंशा ये थी कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाए। क्योंकि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होते हैं इसी क्षेत्र में ज्यादातर होते हैं और यहाँ से पूरे भारत में आवाज पहुंचती है और पूरे भारत को एक किया जाता है इस सेंटर से, क्योंकि सेंटर था वो बंगाल। तो उसने सोचा कि कर्जन ने यह सोचा, दो कारण था उसका। कर्जन ने यह सोचा कि बंगाल को अलग कर दिया जाए, मतलब विभाजित कर दिया जाए, जिससे इसका सेंटर, जो सेंटर है वो कमजोर पड़ जाए। बंगाल जब विभाजित हो जाएगा तो
वहां के जो व्यक्ति हैं वो बंट जाएंगे, अलग अलग राज्य बना देंगे, अलग अलग प्रांत बना देंगे और कमजोर पड़ जाएगा कांग्रेस का जो यहाँ से खड़ी हो रही है वो कमजोर पड़ जाएगी। एक इसके पीछे एक और उसका मकसद था कि जो हिंदू मुस्लिम हैं वो भी एक होकर के आंदोलन कर रहे थे उस समय। तो जब एक होकर के आंदोलन कर रहे थे तो उसने ये भी सोचा कि हिंदू मुस्लिम को बांट दिया जाए, इसलिए बंगाल विभाजन करना बहुत ही जरूरी है। जब हिंदू मुस्लिम बंट जाएंगे उस समय, अलग अलग जब प्रांत बन जाएगा तो दोनों बंट जाएंगे। तो असली मकसद तो ये था कि आंदोलन जो हो रहे हैं उसको कमजोर करना, कांग्रेस जो उठ खड़ी हो रही है मजबूत हो रही है उसको कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना, जिससे जो उनका शासन है वो बरकरार चलता रहे और मजबूती के साथ खड़ा रहे। मकसद तो ये था, लेकिन उसके पीछे करजन ने तर्क क्या दिया? करजन ने तर्क ये दिया कि चूंकि बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए शासन में दिक्कत हो रही है, शासन करने में दिक्कत हो रही है और आदमियों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए उसने ये तर्क दिया और उसने बंगाल विभाजन को अनुमति दे दी। अब हम आपको बता दें कि जब बंगाल का विभाजन हुआ उसके पहले यहाँ हमने लिखा हुआ है कि दिसंबर 1903 में ये प्रस्ताव बनाया गया, ये प्रस्ताव आया कि बंगाल को विभाजित किया जाएगा, ठीक है, दिसंबर 1903 में। और बंगाल के विभाजन के लिए पूरे बंगाल में उस समय लगभग 500 बैठकें की गई बंगाल को विभाजन करने के लिए। और जब लोगों को ये पता चला कि बंगाल को विभाजित किया जाएगा, तो लोग अपनी आवाज़ उठाने लगे, धीरे धीरे आंदोलन तूल पकड़ने लगा। उसी क्रम में जब 500 बैठकें हुई, उसी क्रम में 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर दी गई कि बंगाल विभाजित होगा। 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर दी गई कि बंगाल विभाजित होगा। उसके बाद डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर दी गई कि बंगाल विभाजित होगा। घोषणा कर दी कि प्रस्ताव कब आया था? प्रस्ताव आया था दिसंबर 1903 में, घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 में। और एक घोषणा जो लास्ट अंतिम में हुई, एक सितंबर को यह घोषणा हुई कि 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हो जाएगा, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को तो ये घोषणा हो गई कि बंगाल जो है पूरी तरीके से विभाजित होगा। लेकिन उसी क्रम में 1 सितंबर 1905 को ये घोषणा कर दी गई कि 16 अक्टूबर से बंगाल विभाजन हो जाएगा। 16 अक्टूबर से बंगाल विभाजन हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन के पीछे जो मंशा थी अंग्रेजों की, लॉर्ड कर्जन की, वो हमने आपको बताया। और इसी क्रम में उस समय के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे रिसले, उनका एक कथन है। जो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे रिसले, उनका एक कथन है कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजन के बाद ही इसको कमजोर किया जा सकता है, ठीक है, या विभाजन के बाद ही ये कमजोर होगा। तो इनका ये कथन है, उस समय के गृह मंत्री थे उस टाइम के अंग्रेजों के रिसले, तो उनका यही कथन है कि अविभाजित बंगाल एक ताकतवर शक्ति है, मतलब एक बड़ी ताकत है, और विभाजन के बाद ही यह कमजोर हो गया, विभाजन के बाद ही इसको कमजोर बनाया जा सकता है। तो अंग्रेजों की मंशा तो कुछ और थी विभाजन के समय या विभाजन के लिए। उन्होंने तर्क दूसरा दिया कि ये बड़ा है चूंकि क्षेत्र, शासन करने में और लोगों को सुविधाएं पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए अलग अलग बांट कर इसको, इस पर शासन करेंगे और अच्छे से लोगों को सुविधाएं देंगे। उनका जो तर्क था यही था, लेकिन मंशा उनकी अलग थी। मंशा उनकी ये थी कि कांग्रेस उठ खड़ी ना होने पाए, जो भी आंदोलन हो रहे हैं वो बंगाली से हो रहे थे ज्यादातर, इसलिए वो आंदोलन खत्म करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करेंगे और अच्छे से कड़ाई से राज करेंगे। उनका मंशा ये था, तर्क उन्होंने ये दिया था। तो 1903 दिसंबर 1903 में प्रस्ताव आया
कि बंगाल को विभाजित किया जाएगा। उसी क्रम में 500 को बैठकें हुई, फिर 19 जुलाई 1905 में ये घोषणा कर दी गई कि बंगाल विभाजित होगा। और फिर उसी क्रम में 1 सितंबर को एक घोषणा और हुई कि 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर जो आंदोलन तेज हो रहा था, देखिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो वहाँ के लोग थे, निवासी थे भारत के, उन्होंने 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक जो है स्वदेशी आंदोलन की बैठक की, स्वदेशी आंदोलन की बैठक की और घोषणा की कि जो है आंदोलन को मजबूत बनाया जाएगा, नहीं तो बंगाल विभाजन कर देंगे। और इसी क्रम में बहुत सारे आंदोलन हुए, हर जगह आंदोलन हुए, पूरे भारत में आंदोलन हुए। आंदोलन में मुंबई में भी आंदोलन हुआ, उस समय का बंबई, बंबई में आंदोलन हुआ, और जो है बंबई के बाद पंजाब में हुआ, यूपी में हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ, इस तरह के बहुत सारे आंदोलन हुए और आंदोलनकर्ता भी थे। देखिए महाराष्ट्र में जो आंदोलन हुआ वहाँ पर तिलक और उनकी बेटी केतकर, तिलक और उनकी बेटी केतकर, इन दोनों ने आंदोलन का जो है बहुत सहयोग किया। और ये वहाँ पर क्या कर रहे थे, आंदोलन का बहुत सहयोग कर रहे थे तिलक और उनकी बेटी केतकर, ठीक है, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में तिलक और उनकी बेटी केतकर के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। बंगाल, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र की। पंजाब और यूपी में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, गंगाराम और स्वामी श्रद्धानंद, पंजाब और यूपी में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, गंगाराम और श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, कहाँ, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में, वहीं पर दिल्ली में सैयद रजा हैदर, सैयद हैदर रजा, दिल्ली में इन्होंने नेतृत्व किया था, दिल्ली में सैयद रजा हैदर ने नेतृत्व किया था। यूपी में और पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, गंगाराम और स्वामी श्रद्धानंद ने नेतृत्व किया था। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र में, जबकि महाराष्ट्र में तिलक और उनकी पुत्री केतकर ने नेतृत्व किया था। हर चीज लिखते चलिए, पूछ लेता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व यूपी और पंजाब में किन्होंने किया था, तो यूपी और पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, गंगाराम और स्वामी श्रद्धानंद, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, महाराष्ट्र में तिलक और उनकी पुत्री केतकर, मद्रास में किन्होंने किया था, मद्रास में देखिए चिदंबरम पिल्ले ने किया था, सुब्रमण्यम थे, अय्यर थे, आनंद चारलू थे। तो इतने लोगों ने हर जगह लगभग इसका संघर्ष किया गया, इसका एक आंदोलन किया गया कि स्वदेशी आंदोलन ना हो। और इसी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने अपना एक जो है 1905 का जो अधिवेशन किया था बनारस में किया था, और इसीलिए किया था कि वहाँ पर जो है इस समय जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है बंग भंग का, उसमें सहयोग किया जा सके। तो 1905 चूंकि बंगाल विभाजन हो गया, हमने बताया कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को हो गया, और 16 अक्टूबर को इसीलिए बंगाल में काला दिवस यानी शोक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को बंगाल में बंगाल का शोक दिवस मनाया जाता है। तो बंगाल विभाजन तो रोकने की कोशिश भारतीयों ने बहुत की, आंदोलन बहुत किया, लेकिन बंगाल विभाजन होना था और अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो अंग्रेजों की जो मंशा थी उन्होंने अपनी मंशा पूर्ण कर ली। उन्होंने दो प्रांत बनाए, नवीन प्रांत तो एक बनाया बंगाल को विभाजित करके, क्योंकि हमने बताया कि बंगाल उस समय बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इतना बड़ा प्रांत था। तो इन्होंने जब विभाजित किया तो एक नवीन प्रांत बनाया, नवीन प्रांत में क्या रखा, पश्चिम बंगाल का चटगांव, ढाका, मालदा जिला, त्रिपुरा और तथा त्रिपुरा के राज्य के पहाड़ी क्षेत्र और असम, तो इसको नवीन प्रांत बनाया अंग्रेजों ने। और यहाँ नवीन प्रांत की राजधानी क्या रखी, ढाका, नवीन प्रांत की राजधानी ढाका रखी गई। नवीन प्रांत में चटगांव पश्चिम बंगाल में है, चटगांव, ढाका, मालदा जिला, त्रिपुरा तथा पहाड़ी राज्य, त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्र और असम,
इन सबको मिला करके एक नवीन प्रांत बनाया गया और राजधानी ढाका रखी गई। जबकि बंगाल प्रांत में क्या बचा, बंगाल प्रांत में क्या शामिल किया गया, कलकत्ता शामिल किया गया, दार्जिलिंग शामिल किया गया, बिहार शामिल किया गया और उड़ीसा शामिल किया गया। और जो पश्चिम सॉरी बंगाल प्रांत जो बनाया अंग्रेजों ने उसकी राजधानी कलकत्ता रखी गई। ठीक, उसकी राजधानी कलकत्ता रखी गई और नवीन प्रांत जो बनाया उसकी राजधानी ढाका रखी गई। तो बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, बंगाल विभाजन करने के पीछे अंग्रेजों की मंशा क्या थी, आप लोग समझ गए। और बंगाल विभाजन जब किया, लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल विभाजन किया तो उसने तर्क क्या दिया, ये भी आप लोग जान गए। कहां कहां स्वदेशी आंदोलन की आवाज उठी और किन लोगों ने नेतृत्व किया। तो हमने जैसा आपको बताया कि महाराष्ट्र में तिलक और उनकी बेटी केतकर ने, पंजाब और यूपी में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, गंगा राम और स्वामी श्रद्धानंद ने किया, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया, मद्रास में चिदंबरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चारलू। तो इतने जगह अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। इतने आंदोलन के बावजूद बंगाल को विभाजन होने से रोक नहीं पाए और इन सभी आंदोलनों को दबा दिया गया। और क्या किया गया, जो चिदंबरम पिल्ले थे मद्रास में, जो चिदंबरम पिल्ले थे और सुब्रमण्यम थे, इन दोनों को गिरफ्तार करके, दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसी तरह से जितने भी नेता थे जहां जहां से नेतृत्व कर रहे थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया और सबको जेल में डाल दिया गया। इस तरह से इस बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन को दबा दिया गया और 1907 तक यह आंदोलन खत्म हो गया। तो पश्चिम बंगाल, जो बंगाल विभाजन हमने बताया 1905, मुझे लगता है कि लगभग आप सभी लोग समझ गए होंगे कि बंगाल विभाजन कैसे हुआ, क्यों किया गया, नया प्रांत क्या बना और बंगाल प्रांत में क्या क्या रखा गया, देख लीजिए। ठीक है, तो बंगाल विभाजन से अब कोई भी प्रश्न आए तो गलत नहीं करिएगा। अब इसके आगे हम आपको 1907 का कांग्रेस विभाजन बताएंगे, जब नरम दल और गरम दल की जो है, नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। उसके पहले कितनी कौन सी पार्टी बनी, मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, वो भी बताएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षा में, उन सारे तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा, सारे तथ्यों को मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। अभी बंगाल विभाजन हो गया ये खत्म, अब बंगाल विभाजन के बाद में 1906 से लेकर के 1919 तक में जो भी महत्वपूर्ण कड़ी है, जो भी विशेषताएँ हैं, जो भी घटनाएँ हैं, जो भी कार्यक्रम है, जो भी आंदोलन है, सारी चीजों को 1905 से लेकर के 1919 तक में हम आपको बताएंगे। उसके बाद फिर 1919 से शुरू होगा गांधी युग। तो धैर्य रखिए साथियों, सारा टॉपिक टू टॉपिक चल रहा है और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग नोट्स तैयार रखें और बनाया करें, नोट्स समझा करें, पूरी क्लास देखा करें। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।